चाहता हूँ। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दी गई लाल कलर की जो बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकॉन अपीयर होगी उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा मेरे आगे आने वाली सारी वीडियो की तुरंत जानकारी पाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों इस चैनल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों Xiaomi की तरफ से एक नया खुलासा सामने आया है। Redmi Note 5 Pro का क्रेज अभी तक खत्म नहीं हुआ था कि Xiaomi ने ऐलान कर दिया है एक नए फोन लॉन्च करने का जो कि प्योर गेमिंग फोन होगा। दोस्तों MI फैंस के लिए एक नया तोहफा लेके आने वाली है Xiaomi इस नए क्वार्टर में। दोस्तों Xiaomi ने एक नए फोन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है और उस फोन का नाम है Xiaomi Blackshark स्मार्टफोन जो कि प्योर गेमिंग के लवर्स के लिए निकलेगा और इसकी लॉन्च जो होगी 13 अप्रैल को ये लॉन्च हो जाएगा। आइए इसके बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के और कुछ डिजाइन के बारे में जो कि हमें अलग अलग वेबसाइट के थ्रू डिटेल्स मिली है। दोस्तों ये Xiaomi का जो हैंडसेट है ये Qualcomm Snapdragon 845 पे चिपसेट पे चलेगा और जहां तक इसकी बात करें तो स्पेसिफिकेशन पे ज़्यादा कुछ डिटेल सामने नहीं आया है और कुछ एक हल्की फुल की डिटेल्स डिज़ाइन डिटेल भी हमारे सामने आई है जो वीवो की वेबसाइट पे कुछ हमने ट्रेजर देखे हैं। तो दोस्तों ये प्योरली गेमिंग कंसोल होगा और ये MI के फैंस के लिए जो कि गेमिंग गेम लवर्स हैं उनके लिए डेडिकेटेड ये निकाला जा रहा है। तो बात करते हैं, ये फ़ोन एक ब्लैक कलर डिज़ाइन में आएगा और इसके जो कॉर्नर्स होंगे काफ़ी राउंड होंगे और ये Qualcomm Snapdragon 845 चिपसेट पे चलेगा। वहीं और भी बात कर ले तो इसमें 6GB से लेके 8GB तक की रैम कैपेसिटी हो सकती है और इसमें एक्स वाईफाई कनेक्टिविटी डिटेल्स दी गई है जो कि काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और वेबसाइट्स के बाद की बात कर लें तो इसमें 1 अप्रैल को इसका टीजर निकाला गया था, ऑफिशियल टीजर, और जिसके हिसाब से इसमें GPS वाईफाई LTE मेमो नेटवर्क सपोर्ट करेगा और वहीं AnTuTu लिस्टिंग में भी Xiaomi को लिया गया है और इसमें फुल HD डिस्प्ले देखा गया है। वहीं साथ में इसमें इंटरनल स्टोरेज 32GB के साथ 64GB और उससे ज़्यादा 128GB होने की संभावना है। और वहीं बात कर लें इसमें एंड्रॉयड 8.0 आने की संभावना है, ये ओरियो पे आपको मिल जाएगा। जहां तक मैं आपको बता दूं कि इस साल में कोई ऐसा गेमिंग फ़ोन नहीं निकाला है किसी भी कंपनी ने, Xiaomi वो पहला कंपनी है जो स्मार्टफोन एक गेमिंग फ़ोन निकाल रहा है इस साल में। वहीं दोस्तों इसकी बात कर तो ये रेजर फोन का मुकाबला कर सकता है। दोस्त रेजर फोन की जो स्पेक्स है वो काफी हाई है और उसके कंपैरिजन में ये फोन निकाला जा रहा है दोस्तों, तो काफी हाई स्पेक्स होने वाला है। और स्पेक्स के बाद जहां तक प्राइस की बात आती है हो सकता है कि ये थोड़ा हाई प्राइस का हो, लेकिन रेजर के प्राइस को कंपेयर ना करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ी सस्ती प्राइस में Xiaomi निकाले। तो इंतजार रहेगा 13 अप्रैल का, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि अगर ये फ़ोन आता है तो क्या प्राइस रेंज हो सकती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।